अफनान, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने के लिए आया हूं अपने साथ जाने के लिए। मैं कहीं नहीं जा रही हूं, तुम जाओ यहां से। अच्छा, खुद यहां बैठी काम पर कितना फोकस कर रही थी, और मुझे देखो, सुबह से कोई काम नहीं कर रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था मेरा कुछ करने का। यहां तक इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी कैंसिल कर दी और यहां आ गया। अब चलो मेरे साथ। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। अगर तुम ना मानी तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अफनान। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। तुम प्लीज जाओ यहां से। जब तक तुम नहीं मानोगी ना, मैं इस ऑफिस से नहीं जाऊंगा। दैट्स इट। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें मुझे मनाने का। घर में तो तुमसे मनाया नहीं जाता, अब तुम यहां पे ऑफिस आ गए हो मुझे मनाने के लिए। प्लीज अफनान, ऑफिस में और भी लोग हैं, सीन क्रिएट मत करना, यहां से चले जाओ। अफनान, तुम कितने ढीठ हो। थैंक यू। आई नो मैं बहुत ढीठ हूं। मैं तुमसे कुछ कह रही हूं। इसलिए तो कह रहा हूं तुमसे, तुम मान जाओ ना। देखो, मैं भी बहुत तेज हूं। मुझे पता था अगर मैं तुम्हें घर में मनाने की कोशिश करता तो तुम कभी भी ना मानती, इसीलिए ऑफिस मनाने के लिए आ गया। क्योंकि यहां पर तुम्हें जितना भी गुस्सा आएगा ना, तुम मुझ पर निकाल नहीं सकोगी। चलो बस, बहुत हो गया, रैप अप करो सब कुछ और चलो मेरे साथ, हम जा रहे हैं। पहले चलेंगे हम लंच करने के लिए और उसके बाद लॉन्ग ड्राइव। ऐसे क्या देख रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी तुम्हें मुझसे निजात नहीं मिलेगी। चलो ना यार, लंच करने चलते हैं। अच्छा ठीक है, मान गई मैं, अब तुम जाओ यहां से। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि लंच करने के बाद ना तो मैं तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप करता हूँ, ठीक है? करती हूँ अपने मुंह से बात।